Hello friends, welcome you all to our official channel Ashish. Mitro, abhi 12th ka result laga, JEE ka result laga, CET ka result laga. Us results ke liye sabhi bachchon ko ya sabhi bachchon ka meri taraf se hardik abhinandan. Result lagne ke baad sabhi bachchon ko apna apna career banana hai. So it's a challenge to them, also to their parents. Us sabhi ke liye ek challenging task hai. Uske liye मेरी ओर से जो बच्चे इंजीनियरिंग में अभियांत्रिकी में अपना करियर करना चाहते हैं उनके लिए छोटी सी हेल्प. जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है उसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ विजिट करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ जाके हम एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे सवाल जिनके दिमाग में है वो ये वीडियो देख सकते हैं. ये वीडियो आप आखिरी तक देखो, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. तो मित्रों सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. हु कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग? तो उसका जवाब है अ स्टूडेंट हु हैज डिड हिज 12th इन साइंस. जिस बच्चे ने अपना 12वीं साइंस में किया है उसमें भी उसको दो सब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. बाकी उसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वोकेशनल में इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर, इन दो में से कोई भी चलेगा. ये स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीईटी, एमएससीईटी, जेडब्ल्यूई, एडवांस जेडब्ल्यूई ये एग्जाम दी हो, इसका स्कोर नॉन जीरो स्कोर चलेगा, ये बच्चा अप्लाई कर सकता है. पर इसके अंदर 12th साइंस में यदि स्टूडेंट ओपन कैटेगरी का है तो उसको 50% मतलब आउट ऑफ 300 150 मार्क्स कंपलसरी चाहिए. और यदि वो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का है तो 45% मतलब 300 में से 135 मार्क्स चाहिए. तो इसके अंदर थोड़ा सा क्राइटेरिया है जिसमें अक्सर पेरेंट्स या स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ. 150 आपको कैसे चाहिए? तो फिजिक्स एंड मैथ्स ये दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके कंपलसरी काउंट होंगे. उदाहरण के तौर पे समझो कोई स्टूडेंट को फिजिक्स के अंदर 40 मार्क्स है और मैथमेटिक्स के अंदर 50 मार्क्स है, उसके मार्क्स हो गए 90. समझो ये बच्चा ओपन कैटेगरी का है और उसको केमिस्ट्री के अंदर 50 मार्क्स है तो उसका टोटल स्कोर हो गया 140 आउट ऑफ 150. So that student is not eligible for engineering. Primary हमें ये समझ में आया. लेकिन अब हमारे पास एक option और है. जैसे हमने यहाँ पे chemistry के 50 लिए हैं, तो in case यदि वो बच्चा computer science उसका vocational है और computer science में उसको 60 या 70 marks है out of 100, तो उसका score हो रहा है, if it's 60 तो उसका score हो रहा है 150. तो इन केस ऑफ केमिस्ट्री आप उसका कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें का कोई भी स्कोर कंसीडर कर सकते हो इन दो सब्जेक्ट के एडिशन में. और यदि वो टोटल स्कोर 150 के ऊपर जाता है तो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है इन केस. और यही केस यदि हम रिजर्व कैटेगरी के लिए तो उसके लिए 135, इन सम केस 134 इज ऑल्सो एलिजिबल, इन 150 ऑल्सो यदि 150 है तो भी वो स्टूडेंट एलिजिबल है. इन शॉर्ट यदि हम इसको कंक्लूड करें तो स्टूडेंट जो 12th साइंस किया हो उसके दो फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट कोई भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या वोकेशनल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट जिसके मार्क्स 135 या 150 बनाते हैं वो सब्जेक्ट्स लेके स्टूडेंट एलिजिबल हो सकता है. उसके बाद उसने एमएससीईटी, जेडब्ल्यूई या एडवांस जेडब्ल्यूई ये एग्जाम देनी चाहिए. आई थिंक आपको समझ में आया है कि कौन सा स्टूडेंट इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकता है. एज अर्ली हम लोगों ने देखा है कि 12th साइंस के बाद कौन इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकता है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग. Second stage is how to exactly apply for engineering admission. Let's I'll make it very simple. हमको दो सेंटर दिए गए हैं, एक का नाम है ARC और दूसरे का नाम है FC. ARC का मतलब है एप्लीकेशन रिसेप्शन सेंटर और FC का मतलब है फेलिसिटेशन सेंटर.
तो आपको इन दोनों में से कहाँ जाना है? तो आपको जाना है एफसी सेंटर, एआरसी भी जाना है, लेकिन उसको एफसी के प्रोसेस के बाद जाना है। दैट आई विल एक्सप्लेन। एफसी का मतलब है फिलिसिटेशन सेंटर। नाउ वो कौन से है? तो आप डीटीई के साइट पे जाके एफसी सेंटर की लिस्ट देख सकते हैं और वो कॉलेज में जाके आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमरावती लाइक एचवीपीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इज वन ऑफ द गुड एफसी सेंटर। आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ ही सारी प्रोसेस कर सकते हैं। Now, once you entered into the FC center, then what to do? जैसे आप FC center में जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे आपको application ID और password generate करना है। That is called as purchasing of application kit. तो वो generate करने के लिए आपको क्या करना है? यदि आपने CET दी है तो आपको कोई भी fees वहाँ पे नहीं भरनी है। जैसे आपको free of cost मिल जाएगा क्योंकि आपने पहले ही एट द टाइम ऑफ सीईटी फॉर्म आपने पहले ही उसको पे कर दिया है, तो आपको फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इन केस आपने सीईटी नहीं दी है, आपने जेडब्ल्यू दी है और जेडब्ल्यू के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ओपन कैटेगरी के लिए 800 रुपीज वहाँ पे ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वंस यू गेट द एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड, सो इट विल जनरेट योर ओन लिटिल बिट पोर्टल और उसके थ्रू आप बाकी का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है, उसके बाद क्या करना है? तो आपको वहां जाके एफसी सेंटर पे ही आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका नाम, 10% के परसेंटेज, 12% के परसेंटेज, कैटेगरी, आपका इनकम, सो उसमें दी हुई सारी इंफॉर्मेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको फिल करनी है। उसके बाद उसकी एक प्रिंट लेनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ का एफसी इंचार्ज जो होगा उस एफसी इंचार्ज से वो वेरीफाई करना है और उससे वेरीफाई का एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए विद ड्यूली साइन एंड स्टैम्प। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप फॉर्म भर रहे हैं और उसको वेरीफाई करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? इन शॉर्ट, जब एफसी सेंटर जाओ तो आप ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाओ। जैसे सबसे पहले आपको लगेगा एमएससीटी का मार्कशीट, जेडब्ल्यू का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, 12th का टीसी, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म नंबर 16, बैंक अकाउंट इन एनी नेशनलाइज, उस बच्चे का कोई भी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट नंबर वहां लगेगा। और फॉर रिजर्व कैटेगरी, ये हो गया जनरल के लिए, फॉर रिजर्व कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल। कास्ट वैलिडिटी के लिए आपको 3 महीने का एक्सेप्शन मिल सकता है। नॉन क्रिमिनल शुड बी एलिजिबल अप टू 31st March 2019। जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉन क्रिमिनल की जरूरत नहीं है। अब कास्ट वैलिडिटी किसको होना? तो स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम एससी, वीजे, ऑब्लिक डीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी एंड एसबीसी, इन बच्चों को कास्ट वैलिडिटी होना। और जो स्टूडेंट्स एसटी से आते हैं उनको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। विद दीज डॉक्यूमेंट्स You can enroll or participate in the online exam. उसके बाद उसका प्रिंट लेके ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको एफसी इंचार्ज के साइन से वहां से प्रिंट लेनी। इट मीन्स यू हैव पार्टिसिपेट, आपने ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में पार्ट कर लिया है। अब आप बोलेंगे ये कब से कब कर सकते हैं? तो ये आप 7 जून से लेके 19 जून तक ये वाली प्रोसेस कर सकते हैं। This is what a date in between 7 to 19 June you can visit to the FC center and repeat the procedure what I have explained earlier. I hope you understand the need of document, what to do exactly at the FC center and which document you have to verify. Is it clear? Is it clear? Apply online form, then you are eligible for engineering admissions. Jaise 7 tarikh se 19 जून 2018 तक आप ये जो मैंने अभी प्रोसेस कही है ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? यू हैव टू वेट अप टू द 21 जून, वेयर योर फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले।
21 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा, उसके अंदर आपको आपका नाम, आपके परसेंटेज 10K 12K JEE CET ये चेक करना है। इफ इन केस वहां आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक है, तो आपने जो एफसी सेंटर से फॉर्म भरा है वो एफसी सेंटर में उसका प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट देके उस मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर सकते हैं, या फिर फाइनल डेट तक आपका यदि कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है तो वो आपका ग्रीवेंसेस में आ जाएगा और आप उस डॉक्यूमेंट को 24 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं इन द डेट ऑफ ग्रीवेंसेस। 21 से 24 के बीच में आपका ग्रीवेंसेस होगा और वंस ग्रीवेंसेस हैज बीन डन देन फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले वेयर योर ऑल मेरिट्स नंबर विल डिस्प्ले लाइक स्टेट कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर। वंस इट हैज बीन फाइनलाइज इट विल हेल्प यू टू टेक द एडमिशंस एंड आफ्टर दैट 24 तारीख को ही आपका फाइनल प्रोविजनल सीट्स अलॉटमेंट, मतलब कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स है, ये 24 तारीख को आपका आ जाएगा। यहाँ तक आपका प्रोसीजर हो गया जहाँ आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गया, आपके पास आपके स्टेट कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज ये सारे नंबर्स आए हैं। इसके बाद का एडमिशन प्रोसेस होगा ऑनलाइन फिलिंग ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम दैट इज चॉइस कोड कैप राउंड 1, 2 and 3। आई थिंक फ्रेंड्स इट्स वेरी मच एसेंशियल टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन एंड आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कैप राउंड 1, 2, 3 के लिए आप हमें फॉलो करते रहे। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आशीष भांडे। थैंक यू।